नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी को हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि जीवन पर्यंत रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए एक अचूक घरेलू उपाय लेके आई हूँ जिसे आप अपना के अस्थमा जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं अस्थमा क्या है। अस्थमा जो हमारी सांस की नली को प्रभावित करती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और बहुत ही तकलीफ होती है। हमें अस्थमा होती तो हमारी सांस की नली में सूजन आ जाता है, इससे सांस नली पतली हो जाती है तो हमें सांस लेने में बहुत ही कठिनाई और तकलीफ होती है। फेफड़े से प्रभावित होते हैं, हमारे फेफड़े पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस जब लेते तो एक सीटी जैसी आवाज होती है घर घर की, इससे हमारे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और इसके साथ ही हमारे छाती में जकड़न हो जाता है, खांसी आने लगती है और बहुत ही तकलीफ होने लगती है। अस्थमा दो तरीके के होते हैं, एक अस्थमा बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। बाहरी होता है जैसे धूल मिट्टी के कण, पालतू पशुओं के कारण भी होता है और आसपास के धूल मिट्टी के कण, वायु प्रदूषण की वजह से होता है। आंतरिक अस्थमा होता है जो हम जैसे हो गया बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह से भी हो जाता है अस्थमा। अब बात कर लेते हैं कि ये इसके एक कैसे इसको जड़ से खत्म किया जाए। इसका बहुत ही आसान घरेलू उपाय है। आपको बस करना क्या है, पीपल के पत्ते आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल मिल ही जाएगा, उनके पत्तों को इकट्ठा करना, ढेर सारे पत्तों को इकट्ठा करके, काफी सारे पत्तों को इकट्ठा करके आपको सुखा लेना है धूप में। उसके बाद उसको जला के उसकी राख को वो कपड़ से छान लेना है, कपड़े से छान के उसके बाद सी कंटेनर में भर के रख लेना है। फिर उसके बाद जिसको भी अस्थमा है उसको ये शहद के साथ चटाना है। और अस्थमा किसी उम्र या सीमा में नहीं बंधा हुआ, ये किसी भी एज में, किसी भी उम्र में, किसी को भी हो सकता है। तो जिसको भी अस्थमा है आप शहद के साथ उस राख को चटाइए 3-3 ग्राम, यानी एक चम्मच से थोड़ा सा कम, एक चम्मच 5 ग्राम का होता है, उससे थोड़ा सा कम राख लेना है 3 ग्राम और उसमें थोड़ा शहद मिला के उसको चाटते रहना है। 25 से 30 दिन में आपकी अस्थमा बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। और आपको यदि आपको इससे फायदा तो आप इसे लोगों को भी बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।